हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज सुबह सोच रहे होंगे तू कहाँ पर आ गया, किस जगह पे। तो गाइस बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर बाइक लगा दी है, जो कि मैं उस तरफ गया था मम्मी को छोड़ने के लिए, जो कि आज मम्मी नरेगा में जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो इसलिए मैं बाइक पर छोड़ने के लिए आ गया। तो आज ब्यूटीफुल सी जगह पर रुक गया हूँ। तो देखो यहाँ से कितना अच्छा दिखाई देता है नज़ारा पूरा। और फिलहाल चलता हूँ घर पे, और आज ओडन भी जाना है, अगर जहाँ पापा छोड़ देंगे तो, जो कि पुनः हम दोनों जाएंगे तो कि दो तीन दिन तक वहीं पर रहेंगे, फिर मुझे वापस जल्दी आना है क्योंकि 27 तारीख से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो और फिलहाल मैं तो घर पे ही चलता हूँ, ये घर पे काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा है। आपने सुबह देखा होगा, मैं सुबह सुबह जल्दी वहाँ पर मम्मी को रिलीफ में छोड़ने के लिए गया, और घर पे जैसे ही जाने वाला था तो घर पे पहुँचा ही नहीं, उससे पहले पापा ने कहा और काम है। तो अभी उस तरफ दिखाई दे रहा हूँ कि वो सबसे बड़ी हमारे बनास नदी, जो बनास नदी के उस पार हमारा गाँव है, बनास नदी के इस पार हम हैं अभी। तो फिलहाल थोड़ा बहुत यहाँ पर काम कर लिया है। तो भाई यहाँ का नज़ारा तो एकदम ज़बरदस्त है भाई, एकदम लंबा चौड़ा एरिया है यहाँ पर। तो भाई जाओ, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर बनास नदी में। तो यहाँ पर एक बार बनास नदी दिखाता हूँ, जो ये है पूरी बनास नदी, जो कि पूरी अभी तो सूख चुकी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बरसात का टाइम पानी आता है, तो बरसात होगी तो अब जाके पानी आएगा। तो अब फिलहाल पूरी सूखी हुई है, जो कि वहाँ से सीधे खमनौर से आ रही है, जो कि उस तरफ से आ रही है और इस तरफ जा रही है पूरी। तो बस ये बनास नदी के इस पार भी हमारा थोड़े बहुत गाँव घर है एक दो, क्योंकि उस तरफ से है। तो आगे तरफ जो घर दिखाई दे रहे हैं बनास नदी के उस पार, तो उस तरफ हमारा घर है। तो अब फिलहाल पापा थोड़ा और काम कर रहे हैं, तो फिर चलते हैं। तो वह जब फिलहाल यहाँ पर तो जल्दी नीचे रिलीफ, क्योंकि नीचे औरतें काम करे बहुत सारा, तो इस तरफ तो वो बना रखी है बढ़िया गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए। अभी काफ़ी तेज गर्मी लग रही है, तो अब फिलहाल एक बार तो नहा लेता हूँ, और पूनम ने भी रोटी बना ली है, तो एक बार मैं नहा के आ जाता हूँ फिर खाना खाता हूँ। तो गाइस अभी घड़ी बज चुकी है 10, तो अभी फिलहाल मैंने नहा लिया है, और नहाते मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो आज ब्रेकफास्ट में थी वो शाम को तरह की सब्जी बनाई थी वो, और रोटी, तो दोनों ब्रेकफास्ट में खा लिया है। तो फिलहाल मम्मी को टिफिन देने के लिए चलते हैं, तो अभी पूनम टिफिन भर रही है, तो सीधे वहीं पर चलते हैं। तो गाइस अभी सभी हो रहे थे खाना खाने के लिए जा रही है, जो कि टाइम हो गया हाँ कभी। तो गाइस फिलहाल अभी शाम हो चुकी है, मतलब घड़ी 4 बज चुके 4 के राउंड। तो अब फिलहाल मैं तो अब तैयार होके अभी तैयार होऊंगा, क्योंकि अभी जाना है ओडन। तो आज फाइनली पूनम और हम दोनों जा रहे हैं ओडन। तो अब फिलहाल मम्मी तो आ गई है घर पे, और मम्मी घर का काम कर रही है फिलहाल तो, और अभी पूनम तो जा रही है नहाने के लिए, मैंने सुबह नहा लिया था, तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तैयार हो जाता हूँ चलते। तो वही अभी फिलहाल पूनम तैयार हो चुकी है, और मैं भी तैयार हो चुका हूँ, और अभी लेना है हमें चार्जर, ये चार्जर और एयरफोन दोनों, और पैक करते हैं। कहीं कर रहे हो जा, अच्छा ये टीन का भी हटाना तो क्यों होना, तो हो चुका हूँ तैयार, पूनम भी हो चुके तैयार, क्योंकि पूनम ने बैग ले लिया है, क्योंकि हमारा ड्रेस और मेरे एयरफोन और चार्जर, ये मुझे तो सिर्फ एयरफोन और चार्जर की काफी ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिए ले लिया। तो फिलहाल कब आते हैं, छाछ लेके आ रहे हैं, तो फिलहाल चलते हैं फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, जो कि हम वापस आएंगे जैसे ही आ जा रहे हैं, तो कल वहीं पर आएंगे, वो परसों शाम तक वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइस अब फिलहाल पहुंच चुके हैं नाद्वारा, I'm taking the world you'll see, they'll be calling me.
फाइनली पहुंच चुके हैं भोसा के यहाँ, जो कि ये वाला घर है। तो अभी लग पुनः मोहम्मद दोनों बाहर बैठे हुए, तो अभी अंदर तो काम चल रहा है, तो अभी अंदर चलते हैं। अगर आ गया पूनम वे गई, पूनम वे जी निया भाई वो निया हाँ बोले।